Hello guys, so I am Sahith from the kids platform. In the previous video I have told you that we will do learning puzzles and the craft and artwork. So artwork we are doing and puzzles work we are doing, and the third one is that we have to tell anything we have to study, like I will teach you anything or she will teach you anything like that. But you can see that I have not done any study things from now. So, but I want to add one more thing here. And one more thing is unboxing of things. So, unboxing of things means we will open the items and we will show you. And today we are going to make this unboxing video for three items. The first one is lamp. Second one is toy gun. And this toy gun I will tell you, it is a surprise. And the third one is stopping disco light. So let's start. So guys, first we will do off this lamp. You can see this lamp. Here it is the sensor, you can see. And this is a lamp. So now it is the lamp that if light is open, if we close the light and open the light. And when light open hoti hai, agar hum is lamp ko dekhiye, main ye lagaya, close ho gaya. क्यों नहीं जल रही है लाइट इसकी? मैं तो आपके इतना पास ले गया हूँ क्योंकि इसके सेंसर पे लाइट पड़ रही है. अब मैंने सेंसर पे हाथ रखा तो जब सेंसर पे ये तो लाइट नहीं पड़ रही है तो ये जलने लगा. अब अगर मैं लाइट क्लोज करूँगा, सेंसर ऑटोमेटिकली वर्क करके इसको लाइट आउट कर देगा. अब आपको हम दिखाएंगे एक स्टॉपिंग डिस्को लाइट जो मैंने ऑलरेडी फिट कर दिया है बल्ब में. सो आपको हम स्टॉपिंग डिस्को लाइट दिखाते हैं. सो गाइज, ये है स्टॉपिंग डिस्को लाइट. सो आपको मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ. गाइस, ऐसा लग रहा है कि टाइम रुक चुका है. गाइस सी, सीरियसली ये स्टॉपिंग डिस्को लाइट है. कूल लगती है, बट जो नॉर्मल डिस्को लाइट है वो भी अच्छी लगती है. इसमें टाइम स्टॉप हो ऐसा लग रहा है, बट वो जो घूमती है तो उसमें और मज़ा आता है. लेकिन ये भी बहुत अच्छी लग रही है डेकोरेशन की, जैसे दिवाली है. अब आप इस स्टॉपिंग डिस्को लाइट से, उस डिस्को लाइट में क्या होता है, ये एक जगह नहीं टिकते. अब इससे ही क्या हो, पूरे रूम का डेकोरेशन हो गया. एंड हम एक ट्रिविया टाइम भी दिखाएंगे, उसमें भी एक अनबॉक्स करेंगे हम एक चीज़ को. सो अब थर्ड हमारी है गन. तो चलिए गन की तरफ चलते हैं. सो गाइज, मैंने टू गन्स परचेज करी है क्योंकि बहुत अच्छी है. आप जानते हैं कि मेरी सिस्टर हिया, इनका भी तो मन होगा करने का, इसलिए ये एक मेरे लिए एक इनके लिए. सो अब हम इस गन को बाहर निकालते हैं. सो गाइज, ये तो गन्स हो गई. अब आपको दिखाते हैं गन्स कैसे चलती है. ठीक है, तो इसमें हम लोगों को चाहिए होती है, आपको मैच स्टिक चाहिए होती है जो हमारे पास हैं. सो हम इसको यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट्स गो. सो गाइज, देखिए मैंने कहा था एक मैच स्टिक चाहिए, मैच स्टिक ले लिया हम लोगों ने. अब है हमारी ये गन. इस गन को हम लोगों को कैसे करना है, ये देखिए. ऐसे तो नहीं काम करेगी, या यहाँ नहीं डालना होता हम लोगों को इसको. यहाँ पे ये ऊपर बटन है, इसको प्रेस करेंगे ओपन हो जाएगी. और अगर नहीं होती है तो आपको बटन दबा के इसको ऐसे कर देना है. फिर उसके बाद आपको इसको इस तरह करके, जब ये एक साउंड आएगा तो उसके बाद आपको रुकना है, तब तक ऐसे ऐसे करना है. सो ये साउंड आया. सो अब देखिए, ये बहुत तो यहाँ तक पूरी चली जाती है. अब यहाँ पर ये इसकी बुलेट है, आपको मैं यहाँ बुलेट दिखाता हूँ. ये इसकी बुलेट है, इसको हमें इसमें फिट करना होगा. सो गाइस, ये हमारी फिट हो चुकी है इसमें मैच स्टिक. लेकिन मैच स्टिक का जो बारूद जिसे कहते हैं उसको अपसाइड प्लीज रखें, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करते हैं. फिर इसे हम लोग यहाँ पर इस तरह वापस फिट कर देंगे और इसको क्लोज. अब हमारी गन रेडी है. अब अगर हमने इसको दबाया तो ये शूट करेगी, आपको दिखाते हैं. सो गाइस, आपने साउंड देखा एंड सी द स्मोक. सो गाइस, स्मोक किंग गन कह सकते हो, ये बहुत कूल गन है गाइस. देखिए, लेकिन मैच स्टिक यहाँ से चली जाती है हर बार, उसका कुछ पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस वजह से. सो गाइस, मैंने इसको इस तरह कर दिया. आपको अब एक बार ना मेरी बहन चला के दिखाएगी, तो चलिए चले. सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था मेरी बहन चलाएगी. अब आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाते हैं. सो गाइस, शूट. गाइस, स्मोक आपको दिख रही होगी एंड साउंड. तो मैंने कहा था ये दिवाली में बहुत कूल है, उसमें ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है, आप कह सकते हैं ये इको फ्रेंडली टाइप है. सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय गाइस. बाय गाइस.